Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mazam Ali. My YouTube channel coreldraw. So coreldraw, we will make another logo. We will use contour tool a little bit and use some of the rest tools. Let's start with Bismillah. First of all, you have to read your prayers first. तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये सर्कल. ड्रा करेंगे कंट्रोल के बटन से इक्वली पी का करके मिडल करेंगे. मिडल करने में इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम लेंगे कंट्रोल. कंट्रोल सेलेक्ट कर दिया और इसको हम करेंगे टू सेंटर या टू इनसाइड या फिर आउटसाइड. हम करेंगे इसको इनसाइड. तो इनसाइड में ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा. और यहाँ से आप इसका डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं उसी हिसाब से. तो यहाँ से फिर आप इसके लाइन वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपके सामने हो रही है. देख सही होगा कुछ इस तरह से हम करेंगे. इसको आप थोड़ा इस तरह करेंगे तो आपकी लाइन बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से वो नहीं बढ़ रही. तो ये चीज़ हमारी अभी क्रिएट. अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे अगला काम. पिक टूल लिया. पिक टूल लेने के बाद इसको करेंगे पूरे को सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना ऑब्जेक्ट में. यहाँ पर आपने पहले इसको तोड़ देना ब्रेक कंटूर. कंट्रोल के भी आप कर सकते हैं तो टूट गया. तो ये आप चेक करें अच्छी तरह से नहीं टूटा, सिर्फ एक लाइन टूटी. तो हमको सब को तोड़ना. तो आप फिर एक बार सेलेक्ट करेंगे, उसी पे माउस का राइट बटन दबाएंगे, अनग्रुप कर देना है. अनग्रुप ऑब्जेक्ट कंट्रोल यू इसका है वो शॉर्टकट की. तो अभी आप सेलेक्ट करें, ये देखें एक एक लाइन हो चुकी है. देखें सही हो गया ये. अभी आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं. फिर भी होल्ड और ऑन ग्रुप कर लेना. फिर इसको आपने पूरा सेलेक्ट करना कंट्रोल ए. पूरा सेलेक्ट हो जाएगा. टॉप पे करना टी लगाने टॉप हो जाएगा. देख ऑटोमेटिकली लोगों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे. अगर आप अंडू करके बी करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा बी की तरफ बॉटम. ऐसे ही आप लेफ्ट राइट करना एल दबाएं, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा अंडू करके. उसके बाद आप दबाएँ आर और ये इस तरह. हमको चाहिए टॉप है, हम दबाएँ टी. तो ये इस तरह से अपना करेगा काम. इसको हम पूरा करेंगे सेलेक्ट. सेलेक्ट करने का थोड़ा हम करेंगे छोटा. ये यहाँ से अंदर भी आप कॉपी कर सकते हैं. माउस दबाएंगे राइट बटन कंट्रोल आर एक और कॉपी. कंट्रोल आर एक और कॉपी. तो ये हमारा होगा कॉपी लोगो क्रिएट. कंट्रोल जी ग्रुप हो गया. पी दबाए पेज का सेंटर हो गया. तो ये इस तरह से कुछ हो गया क्रिएट. अब हम इसको वाजिया करने जाते, नज़र नहीं आ रहा. यहाँ पे आए डबल क्लिक करें, आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे आप ब्लैक कलर दे के देख सकते हैं. आप नहीं तो फिर येलो में देख सकते हैं या ग्रीन में. येलो अच्छा है. इस तरह से कुछ हो गया क्रिएट हो जाएगा लोगो. ठीक हो गया. काम करते हुए गड़बड़ हो जाती है लेकिन टेंशन नहीं लेनी. और इसको आपने दोबारा सेलेक्ट करना है. इसके जो अंदर की आउटलाइन है इसको हम कलर देंगे इस तरह से वाइट कलर दे रहे हैं या आप इसको देना
क्रीम कलर ही देख रहे हैं। कलर देने के लिए आपने हमेशा माउस का राइट बटन दबाना, राइट बटन सही, लेफ्ट नहीं दबाना। लेफ्ट दबाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसको हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, तो ये चार है, इसको रखेंगे सिक्स। सिक्स रखेंगे, दोबारा करेंगे स्प्लेंडर, सिक्स रखेंगे। और फाइव भी रख सकते हैं, फाइव में कुछ अच्छा नहीं है, फाइव या फोर, दोबारा करेंगे फोर करेंगे इसको, फोर एंटर। एंटर किया, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको बोरो प्रेस करें, तो ये कुछ इस तरह से लोगो दिखेगा। इसको आप मजीद छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये चीज सही हो गया, अच्छे बैकग्राउंड आपकी मर्जी है। आप रेड देना चाहते हैं वाइट दे दें, आपने अगर ग्रे देना ग्रे तो दे दें, वो आपकी मर्जी है। आपने कौन सा रखना है सीधा के आप उसमें बैकग्राउंड रख सकते हैं। ये हो गया हमारा इसका काम, इसको हम सेलेक्ट करेंगे जी का बटन दबा के, इसके अंदर थोड़ा सा हम इस तरह से भी काम करेंगे, ये कुछ इस तरह से। आप बड़े आराम के साथ लोगों के साथ कंट्रोल जी करेंगे, पी करेंगे, इसको यहाँ पर साइड में रखें इस तरह से। इसी तरह अगर हम एक और लोगों बनना चाहें, इसको सेलेक्ट करेंगे जल्दी से, यहाँ पर रखने के बाद कंट्रोल टू लिया और उसके बाद और साइड इनसाइड किया और इसकी तादाद बढ़ा लेंगे कुछ, तो इसको हम थोड़ा इधर करेंगे ताकि तादाद नजर आए। ये कुछ इस तरह से पानी होगा, इसको पूरे सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंट्रोल के करेंगे तोड़ेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, उसका राइट बटन दबाएंगे, इसी के ऊपर अनग्रुप करेंगे और फिर इसी को क्लिक करके तो पूरा टूट गया। फिर हम वही करेंगे बी बॉटम में, इसको हम क्रिएट कर लेंगे इस तरह कंट्रोल जी, इस तरह इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, मिडिल पॉइंट कम रखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। और यहाँ से हम करेंगे मोड का राइट बटन, कंट्रोल आर कंट्रोल आर, तो ये हमारा हो गया लोगो रेडी। और इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से, ये हमारा काम हो गया इसका तमाम, सही हो गया। तो इस तरह से भी आप अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। और इसके लाइन हम थोड़ी जा रहे हैं तीन कर देंगे, और कलर हम इसका रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। और सेलेक्ट करेंगे पूरे को तीनों चारों को कंट्रोल जी, और इसको यहाँ पर हम रखेंगे डबल क्लिक करेंगे
और हम इसमें इस तरह से कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रेडी। इसी के हम कॉपी करके ऊपर रखें। अच्छा हाँ सही हो गया। आप बड़े प्यारे पर डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम छोटा कर लेंगे ताकि उसकी जगह पूरी बन जाए। ये चीज मेरे को तो वो भी आज की वीडियो पसंद होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।